हेलो फ्रेंड्स, गांव की रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी की रेसिपी। तो मैक्रोनी से बहुत ही टेस्टी नमकीन बनाऊंगी। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, हमने यहाँ पर मैक्रोनी ले ली है। तो आप मैक्रोनी कितनी भी ले सकते हैं। तो हमने मैक्रोनी ले ली है और इन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली हुई है और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तो तेल हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो देखते हैं, तेल हमारा जो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम मैक्रोनी डाल देंगे। तो देखिए, हमने मैक्रोनी को डाल दिया है और इन्हें अच्छे से हम चला देते हैं। तेल डालने के बाद मैक्रोनी को हम फ्राई कर लेंगे। तो कुछ देर तक मैक्रोनी को हम ऐसे ही फ्राई करेंगे जब तक हमारी मैक्रोनी गोल्डन नहीं हो जाती है। तो अच्छे से जब तक ये कलरदार मैक्रोनी हमारी फ्राई हो नहीं जाती तब तक इन्हें ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो देखते हैं, मैक्रोनी हमारी जो है वो अच्छे से फ्राई हो रही है। तो इसी प्रकार हमें मैक्रोनी फ्राई कर लेना है। तो कुछ देर तक हम मैक्रोनी को और फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, इनका कलर चेंज होने लगा है। तो ऐसे ही हमें मैक्रोनी कुछ देर तक फ्राई करना है। तो देख सकते हैं, जो मैक्रोनी का कलर है वो चेंज हो रहा है। तो कुछ देर तक हम ऐसे ही मैक्रोनी को फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं, ये मैक्रोनी हमारी जो है फ्राई हो चुकी है। तो देख सकते हैं, इनका कलर कितने अच्छे से आ गया है और बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही मैक्रोनी में फ्राई कर लेना है। और अब हम सारी मैक्रोनी को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं, कितने अच्छे से जो मैक्रोनी हमारी है वो फ्राई हो चुकी हैं। तो इसी प्रकार हमें मैक्रोनी फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं, ये मैक्रोनी हमारी जो है फ्राई हो चुकी हैं। तो इन्हें हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे ऐसे ही। और देख सकते हैं, हमने मैक्रोनी को ठंडा कर लिया है। तो मैक्रोनी हमारी जो है फ्राई होकर रेडी है। तो इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक, और इसमें आप जो भी मसाला डालना चाहें डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी, अब इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इसमें। तो हमने थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया है। तो अब सभी मसालों को हम मैक्रोनी में मिक्स कर देंगे। हमें सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है, सभी मैक्रोनी में हमारे जो मसाले हैं वो लग जाएं। तो देख सकते हैं, ये मसालेदार हमारी मैक्रोनी की नमकीन बनकर रेडी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस प्रकार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और ज़्यादा ये टाइट नहीं है और इन खाएंगे तो बहुत ही जल्दी से ये तो देख सकते हैं, हमारी जो मैक्रोनी है वो बनकर रेडी है। तो इसी प्रकार हमें मैक्रोनी बनाकर रेडी कर लेनी है। तो खाने में बहुत ही कुरकुरी लगती है। तो आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।